नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा कैसे WhatsApp में भेजा मैसेज को डिलीट कर सकते हैं एक हफ्ते के अंदर या एक हफ्ते के बाद भी। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार हम गुस्से में या नॉर्मली WhatsApp में कुछ ऐसे मैसेज सेंड करते हैं जो बाद में रियलाइज़ होता है नहीं भेजना चाहिए था। तो ऐसे में WhatsApp का नया फीचर्स लेके आया है डिलीट ऑप्शन सेंड मैसेजेस के लिए। लेकिन WhatsApp सिर्फ 7 मिनट तक ही अलाउ करते हैं वो मैसेज को डिलीट करने के लिए। अगर आपको 7 मिनट के बाद या 1-2 दिन के बाद वो मैसेज डिलीट करना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है जो मैं बता रहा हूँ, तो ऐसे में आसानी से वो मैसेज डिलीट कर पाएंगे। स्टेप नंबर 1, पहले आप अपना फ़ोन का इंटरनेट ऑफ कर दीजिए, मोबाइल डाटा हो या वाईफाई बंद कर दीजिए। स्टेप नंबर 2, इंटरनेट ऑफ करने के बाद सेटिंग्स ओपन करके ऐप्स पर जाइए, फिर व्हाट्सएप में क्लिक करिए। आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, पहला अनइंस्टॉल और दूसरा फोर्स स्टॉप। आप दूसरे ऑप्शन फोर्स स्टॉप पे क्लिक करिए। स्टेप नंबर 3, इसके बाद फिर से सेटिंग्स में जाकर ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम अपडेट को डिसेबल कर दीजिए। इससे क्या होगा, फिर आप अपने फ़ोन के डेट और टाइम को चेंज कर पाएंगे। स्टेप नंबर 4, अब वो व्हाट्सएप मैसेज जो आप डिलीट करना चाहते हैं उसका डेट और टाइम देख लीजिए और इसके हिसाब से आप अपने फ़ोन का डेट और टाइम बदल दीजिए। स्टेप नंबर 5, अब जिस मैसेज को आप डिलीट करना चाहते हैं व्हाट्सएप में जाकर उस मैसेज पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करिए। आपको एक पॉपअप दिखने को मिलेगा जहाँ पे ऑप्शन रहेगा डिलीट फॉर मी, कैंसिल और डिलीट फॉर एवरीवन। आपको क्लिक करना है डिलीट फॉर एवरीवन ऑप्शन पे, तो तुरंत ही वो मैसेज डिलीट हो जाएगा हमेशा के लिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।